हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बनने की उम्मीदों पर पूर्व खिलाड़ी अजहरुद्दीन को बड़ा झटका लगा है। हैदराबाद क्रिकेट संघ ने अजहरुद्दीन का नामांकन रद्द कर दिया है। वहीं नामांकन रद्द होने से वह काफी निराश है और इस फैसले पर अजहर कानूनी कार्रवाई करने की भी तैयारी में है। नामांकन भरने के बाद अजहर ने कहा था कि वे हैदराबाद क्रिकेट की हालत सुधारना चाहते हैं। हैदराबाद क्रिकेट संघ पर आरोप लगाते हुए अजहर ने कहा कि हैदराबाद क्रिकेट संघ में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार बेहद ज्यादा हो गया है। आपको बता दें कि अजहर पर साल 2000 में मैच फिक्सिंग के आरोप लगे थे, हालांकि सबूतों के अभाव में उन्हें आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बरी कर दिया था। वहीं अपने नामांकन के रद्द होने के बाद मोहम्मद अजहरुद्दीन ने अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि ये पूरी प्रक्रिया ही मुझे धोखाधड़ी से भरी हुई लगती है। उन्होंने मुझसे जो भी सवाल पूछे मैंने उसका जवाब दिया। उन्होंने BCCI के बारे में पूछा तो मैंने उन्हें कोर्ट का ऑर्डर दिखाया। इन सब के बावजूद मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया, जिससे मैं बेहद दुखी हूँ। तो क्रिकेट के बाद राजनीति और एक बार फिर क्रिकेट से नाता जोड़ने की अजहर की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। अपना नामांकन रद्द होने से वो बेहद निराश है और कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। देखते रहिए DB Live।